स्काईलाइन के काफ़ी सारे अप्लायंसेज आते हैं, अगर हम बात करें इनके, राइस कुकर्स आते हैं, टोस्टर्स आते हैं, गारमेंट स्टीमर्स आते हैं, वैक्यूम क्लीनर्स आते हैं, न्यूट्री ब्लेंडर्स आते हैं और बहुत सारे अप्लायंसेज आते हैं। आज मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी और साथ में दिखाऊंगी कि इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स। मेरा नाम है गरिमा। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज मैं आपको दिखाऊंगी स्काईलाइन का न्यूट्री मिक्स जो कि आता है 3 जार के अंदर, जिसका मॉडल नंबर है VTL444। अब मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाली हूँ, लेकिन अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको इसका बॉक्स दिखा देती हूँ। इसकी जो पैकिंग है वो कुछ इस तरीके से आती है, आप ये देख सकते हैं। इस तरीके से कंपनी अपने प्रोडक्ट को पैक करके सेल करती है। सो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये बॉक्स में मेंशन किया हुआ है स्काईलाइन न्यूट्री मिक्स विथ 3 जार्स और इसका मॉडल नंबर भी मेंशन किया हुआ है VTL444। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये जो मॉडल है ये आता है 400 वॉट्स के अंदर। ये भी आप देख सकते हैं बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, ISI सर्टिफाइड प्रोडक्ट है ये। उसके साथ 1 ईयर वारंटी आती है, 1 ईयर आपकी दिल्ली NCR के अंदर ऑन साइट वारंटी देती है ब्रांड। और सबसे बड़ा बेनिफिट आजकल जो चल रहा है, मेड इन इंडिया है ये प्रोडक्ट। जी हाँ, ये जो स्काईलाइन का न्यूट्री मिक्स है ये इंडिया में ही बनता है। तो चलिए अब मैं बॉक्स को ओपन करके दिखाती हूँ और दिखाती हूँ इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले बॉक्स में से एक ये जार निकला है। ये दूसरा जार है इसका, जिसे हम जूसर जार कहते हैं। ये 2 लिड्स आई हैं इसमें। मैं अनबॉक्सिंग करके आपको फिर दिखाऊंगी कि इन सब से हम क्या क्या कर सकते हैं। एक और जार आया है इसमें और ये है इसकी मेन मोटर। और एक आता है इसके साथ ये वारंटी कार्ड और इंस्ट्रक्शन मैनुअल। सो गाइज, ये सब निकला है बॉक्स के अंदर से। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सबसे छोटा सा जार है। इस जार के अंदर हम ड्राई ग्राइंडिंग कर सकते हैं। ड्राई ग्राइंडिंग के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें हम कॉफ़ी बीन्स को ग्राइंड कर सकते हैं, हम ड्राई फ्रूट को ग्राइंड कर सकते हैं, इलायची हो गई या कोई भी हमारे सूखे मसाले जो हम अपनी किचन में यूज़ करते हैं उसको आप इसमें ग्राइंड कर सकते हो बहुत ईजिली। आपको मैं ये ओपन करके भी दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से दिखता है ये। ये एक कप है, इस कप को आप रिमूव करके इजीली वॉश भी कर सकते हो, जैसे हम नॉर्मल अपने मिक्सर ग्राइंडर को वॉश करते हैं। और यहाँ पर एक सिंगल ब्लेड दी हुई है। ये सिंगल ब्लेड का बेनिफिट ये होता है, जितनी भी ड्राई ग्राइंडिंग होती है वो इसमें बहुत ही फाइन टेक्सचर में, फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देती है। सिंगल ब्लेड का ये बेनिफिट होता है। साथ में आप देख पाएंगे यहाँ पर एक रबड़ दी हुई है। इस रबड़ का क्या यूज़ होता है, जब भी हम इसके अंदर मान लो कभी भी कोई वेट ग्राइंडिंग करते हैं, लाइक आपको कभी भी कुछ गीला सामान पीसना है, इसीलिए यहाँ पर एक रबड़ दी होती है ताकि हमारा जार लीक ना हो और मोटर पे कोई इफेक्ट ना आए। जार नीचे से भी आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिखता है ये जार। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लिड, जो ये 2 लिड्स हमें बॉक्स में से मिली थी। इसका ये बेनिफिट होता है, आपने फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी ग्राइंड करके रख दिया और आपको लगता है कि अभी आपको एट प्रेजेंट उसको यूज़ नहीं करना, तो आप इसको इस लिड से इजीली कवर कर सकते हो और आप अपने रेफ्रिजरेटर में या कहीं पर भी इसको आप इजीली स्टोर करके रख सकते हो। तो ये था इस लिड का बेनिफिट। अब हम बात करते हैं सेकेंड जार की, जिसके अंदर हम अपनी स्मूदीज बना सकते हैं या हमें कुछ भी फ्रूट ब्लेंड करना है या हमें वेजिटेबल ब्लेंड करना है, तो इसके अंदर आप इजीली ब्लेंड कर सकते हैं। जो ब्लेंडर जार है उसका जो बेस है वो आता है 4 ब्लेड्स के अंदर। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 4 ब्लेड्स के अंदर ये जार आता है। और साथ में यहाँ पर अगेन इसमें भी रबड़ दी हुई है, सो दैट आपका जार, अगर जार के अंदर कुछ भी लिक्विड है तो वो लीक ना हो, तो इसीलिए इसमें ये रबड़ साइड पर दी होती है। नीचे से भी आप देख सकते हैं ये जार कुछ इस तरीके से दिखता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, हमें जो दूसरी लेड मिली थी वो भी इसके अंदर ये है कि फॉर एग्जांपल आपने ऑफिस जाना है, आपने इसके अंदर मैंगो शेक बनाया या कोल्ड कॉफ़ी बनाई, ब्लेंड किया, इसको आपने इजीली यहाँ से क्लोज किया और कैरी करा, और अपनी कार में या अपने ऑफिस में कहीं भी जहाँ भी आप जैसे भी जा रहे हो आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हो। ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, हर ब्रांड के अंदर नहीं आता है। अब आते हैं हम थर्ड जार पर, जिसे हम बोलते हैं जूसर जार। जूसर जार को आप देख सकते हैं इस तरीके से आता है ये। यहाँ पर इसमें मेजरमेंट भी दी हुई है, 250 ml, 500, 750 या 1000। आप इसमें मैक्सिमम 1 लीटर तक का ही जूस बना सकते हैं। जूसर जार की जो सबसे स्पेशलिटी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये लॉक दिया हुआ है यहाँ पर। इस लॉक को आप मार्क भी करा हुआ है कंपनी ने कि अगर आप इसको इस साइड पर करेंगे तो ये लॉक ओपन हो जाएगा, और इसको अगर हम इस साइड पर रोटेट कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ये अब ये निकलेगा भी नहीं, आप ये देख सकते हैं ये निकल भी नहीं रहा है। लॉक मैंने आपको दिखा दिया है। इस जार के अंदर एक चीज़ और मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे ही हम जार को ओपन करेंगे तो अंदर एक फ्रूट नेट दी हुई है, इसी के अंदर हम फ्रूट डाल रहे थे। यहाँ ऊपर से इसको ओपन करके यहीं से हम फ्रूट डाल रहे थे। इसका क्या बेनिफिट होता है, जैसे ही हम इसमें फ्रूट्स डालेंगे इसका जो वेस्ट है वो इसी के अंदर कलेक्ट हो जाएगा और जो जूस हमें पीना है वो सारा इस जार के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। और फिर आप इसको इजीली यहाँ से ऐसे लेड लगाकर आप किसी के आगे भी प्रेजेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, इजीली आप इसी से पोर कर सकते हैं इसको।
अगर आपको लगता है कि कभी कभार फ्रूट्स नीचे इजीली नहीं जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी अटैचमेंट दी हुई जो कि हमारे पहले भी जूसर्स के अंदर आती थी, तो आप इजीली इसको यहाँ से अपने फ्रूट को प्रेस कर सकते हो सो दैट वो नीचे चला जाए और हमारे फ्रूट्स वेस्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हमें जूस मिल सके। सो गाइस, जार्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, अब मैं दिखाऊंगी आपको इसकी मेन मोटर जिसके ऊपर हम कोई भी जार रख के अपने ब्लेंडर को ऑन करेंगे। लेकिन जार्स को रख के दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ। ये जो मोटर है इसकी, आप ये देखेंगे कि मैं इसको अगर उठा रही हूँ तो ये उठ नहीं रही है। आप ये देखेंगे, मतलब मैं इसको अच्छे से जान लगा के भी अगर इसको उठा रही हूँ ना, ये तो भी नहीं उठ रही है। तो इसका ये बेनिफिट है, देखो अभी मैंने इसको खींच के निकाला है, इसका ये बेनिफिट है यहाँ पे चार वैक्यूम दिए हुए हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे चार जो वैक्यूम है वो इतने अच्छे से इसको होल्ड कर रहे हैं ताकि आप कभी भी किचन में कुछ ग्राइंड कर रहे हो या कुछ ब्लेंड कर रहे हो तो आपकी मिक्सी एक जगह से दूसरी जगह उठ के मूव नहीं करेगी। आप अभी दोबारा भी मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो मैं पूरी मतलब अच्छे से जान लगा रही हूँ लेकिन ये तब भी नहीं उठ रहा है। सो इसके बेस के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका ऑन ऑफ का बटन, यहाँ पर दिया हुआ ऑन ऑफ का बटन। जैसे ही हम इसको प्लग इन करेंगे रेड लाइट जल जाएगी, जैसे ही हम इसको ऑपरेट करेंगे ब्लू लाइट जल जाएगी। एक चीज़ और, अगर आप देखना चाहते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से कोल्ड कॉफ़ी बनती है या फ्रूट्स ब्लेंड होते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना और आप मुझे बताना कि गरिमा आप इसमें हमें ये चीज़ ट्राई करके दिखाओ, मैं आपके लिए ट्राई करके दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि क्या चीज़ आप देखना चाहते हो। एंड एक चीज़ और, हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, उससे क्या होगा जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए, अब हम बात कर रहे थे इसके बेस की। इसके बेस के अंदर मैंने आपको इसका वैक्यूम दिखा दिया, इसका ऑन ऑफ का बटन दिखा दिया। इसकी लुक एंड फील बहुत अच्छी है, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है, आप ये इस तरीके से भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये इस तरीके से बनाया हुआ है। सो बेस मैंने आपको दिखा दिया है, अब मैं दिखाती हूँ कि ये जो जार है ये किस तरीके से इसमें फिट होता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर तीन लॉक्स दिए हुए हैं, तीन लॉक्स के अंदर क्या होगा, जैसे ही हम इसको यहाँ पर लगाएंगे ये टक की आवाज़ आएगी और ये फिर यहाँ पर ये लॉक होगा। उससे पहले अगर ये लॉक नहीं होगा तो ये हमारा जार चलेगा नहीं। तो आप ध्यान रखना, कभी भी आप इसको ऑन करोगे तो ये ऐसे अंदर जाएगा, टक की आवाज़ आएगी, फिर ये ऑन होगा। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। जाने से पहले हमारा छोटा सा काम एक करते जाना, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाना सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अगर आपको कुछ भी जानना है इस प्रोडक्ट के बारे में या इसको परचेज करना है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। हम दिल्ली NCR के अंदर ये प्रोडक्ट 2 से 3 घंटे में डिलीवर हो जाएगा, दिल्ली से बाहर 4 to 5 वर्किंग डेज लगते हैं। सो गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।